सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जो व्यक्ति सफलता की प्राप्ति चाहता है वह छोटी छोटी समस्याओं और असफलताओं से कभी नहीं घबराता। जज्बा रखो सच और झूठ को परखने का। कानों में जहर घोलना तो जमाने का काम है। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं खुद को बदलना शुरू कर देता है। आज का पंचांग 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार, माघ मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि शाम 4:07 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र सुबह 7:35 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:26 से 4:49 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:18 से 1:02 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर सुबह 7:35 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। षटतिला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। धनुराशि 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार, आज के दिन सभी भावनात्मक और वास्तविक मुद्दों के मामले उतार चढ़ाव भरा रहेगा। ग्रहों की चाल यह बता रही है कि आप सुबह भावनात्मक बने रह सकते हैं और सब चीजों के बारे में अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया के नजरिए से ही सोचेंगी। इससे कुछ गलत फैसले की भी संभावना है, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा और आप और स्पष्ट तरीके से सोच और देख पाएंगी। नई योजनाएं और उपक्रम बनाने के लिए समय अनुकूल है। सोसाइटी संबंधित कार्यों में आपका योगदान रहेगा और उचित मान सम्मान भी मिलेगा। रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। परिवार के साथ शॉपिंग हो सकती है। परिवार के लोगों के साथ बातचीत करते हुए उसकी समस्या समझने की कोशिश करें। लोगों के आपसे बड़ी अपेक्षाएं रहेगी। हर बात में दुविधा बढ़ने लगेगी। वर्तमान समस्या का असर आपके भविष्य पर ना हो इस बात का ध्यान रखें। अपेक्षा के अनुसार नौकरी पेशा लोगों को बढ़ोतरी प्राप्त होगी। रिलेशनशिप संबंधित परेशानी को समझते हुए पार्टनर का साथ देने की कोशिश करें। शारीरिक कमजोरी होने की भी संभावना है, ख्याल रखें। सावधानियां। ध्यान रखें कि पिता या पिता समान व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की बहस ना हो। अपने वर्तमान गतिविधियों पर फोकस रखना जरूरी है। किसी एक विषय को गहराई से जानने की इच्छा भी होगी। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। अचानक किसी मित्र के मिलने से पुरानी खुशनुमा यादें ताजा होगी। हो सकता है कि आपके पार्टनर का दिमाग कुछ बदलावों के बारे में सोच रहा हो। उनकी रुचि अब जीवन को साहसिक तरीके से जानने में हो गई लगती है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें कई तरह के प्रयोग करने पड़ेंगे। आपको भी अपनी खाने की आदतें या निवास बदलना पड़ सकता है। अगर आपका पार्टनर कुछ नया आजमाना चाहता है तो उस पर हंसे नहीं। बात करते हैं करियर की। कार्यालय का प्रेम आपको एक चुंबक की तरह आकर्षित कर रहा है, लेकिन कार्यालय काम करने के लिए है, अपनी भावनाओं को दिखाने के लिए नहीं है। यह आपको याद रखने की जरूरत है। आपके सहकर्मी इस बात की सराहना नहीं करेंगे। यह एक मुंह हो सकता है। अपने काम पर ध्यान लगाएं और अगर ये होना है तो यह निश्चित रूप से होगा, अन्यथा यह बुलबुले की तरह से फूट जाएगा। निष्पक्षता पूर्वक इसे लें। व्यवसायिक कार्य सहज तरीके से बनते जाएंगे, लेकिन जल्दबाजी न करके धैर्य पूर्वक कार्य करें। स्टाफ पर अपनी कड़ी नजर रखनी होगी। किसी नकारात्मक गतिविधि की वजह से नुकसान होने की आशंका है। लेन देन में सावधानी बरतें। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु यूरिन इन्फेक्शन जैसी दिक्कतें हो सकती है। पानी का सेवन अधिक मात्रा में जरूर करें। पिछले कुछ दिनों से आप स्वास्थ्य की समस्याओं से लगातार परेशान भी हो रही हैं, लेकिन आप आज इनके लिए कोई संतोषजनक तरीका भी खोज पाएंगे। ध्यान रखें कि कोई भी तरीका समय तो लेता ही है। आपको धीरज तो रखना ही होगा, लेकिन यह भी तय है कि अगर आप नियमों का सिर से पालन करेंगे तो काफी हद तक अपनी परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। आज का उपाय। आज शाम को आप घर में ही हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान भगवान जी के समक्ष सरसों के तेल से दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।
जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ती रहें। आपका दिन शुभ हो।